हेलो नमस्कार, मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। आज का टॉपिक इंडिफरेंस कर्व है, जिस पर अपन स्टार्ट करेंगे मीनिंग से, फिर देखने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व का स्केड्यूल, फिर देखने वाले हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और लास्ट में अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग से। देखो डिफरेंट मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल सा, डिफरेंट मतलब होता है अलग, तो इंडिफरेंट मतलब क्या हो गया, सेम। अब अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे इंडिफरेंस कर्व के मीनिंग को। देखिए इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज मतलब दो कमोडिटी है, एप्पल और ऑरेंजेस मान लीजिए, दो कमोडिटी है जिनका वेरियस कॉम्बिनेशन, मान लो दो एप्पल तीन ऑरेंजेस या तीन एप्पल फोर ऑरेंजेस। तो यहां पर क्या है, दो कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं अपन और वो कॉम्बिनेशन अपन को सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। हो रहा है क्लियर? Shows various combination of two commodities which give equal satisfaction to the consumer. Irrespective अपन कैसे कंज्यूम कर रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा, दो कमोडिटीज है, कोई सी भी हो सकती है, एप्पल ऑरेंजेस हो सकते हैं या कोई भी कमोडिटी हो सकती है जो कि वेरियस कॉम्बिनेशन में अपन यूज कर रहे हैं, दो तीन चार जितना भी अपन को कॉम्बिनेशन है, और वो कॉम्बिनेशन अपन को इक्वल सेटिस्फेक्शन डिराइव करके दे रहा है। हो रहा है क्लियर? अब देख लेते हैं बेटा इसका स्केड्यूल, इसको आप शेड्यूल भी कहते हैं, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है स्केड्यूल, राइट। तो स्केड्यूल क्या है अपना, इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच रिप्रेजेंट इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। अच्छा सिंपल सा क्या है इसका स्केड्यूल में क्या होता है, आपका शेड्यूल में क्या होता है, सिंपल सा टेबुलर स्टेटमेंट लग गया है, अपनी मीनिंग सेम थी, बिल्कुल मीनिंग की तरह ही है। तो मीनिंग में सिर्फ इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन लगा दीजिए और शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज सेम का सेम लिख दीजिए, ठीक है। तो अपना क्या होता है स्केड्यूल में क्या होता है बेटा, सिर्फ इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट एक लाइन आ जाती है मीनिंग में, वो एड ऑन हो जाती है। तो सिंपल सा क्या है स्केड्यूल, क्या है, एक टेबल है जो कि दो कमोडिटीज का वेरियस कॉम्बिनेशन बताती है जो कि कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? हो रहा है क्लियर? अब देख लेते हैं बेटा इसका स्केड्यूल है क्या। स्केड्यूल में अपन ने कॉम्बिनेशन ले रखा है, एक्स यूनिट्स दे रखी है, वाई यूनिट्स दे रखी है और सेटिस्फेक्शन का लेवल अपन ने बता रखा है, राइट। कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, पहला ए कॉम्बिनेशन, बी सी डी ई, एक्स यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, वाई यूनिट्स 30, 25, 21, 18, 16 और सेटिस्फेक्शन का लेवल सब में सेम है। तो यही तो इंडिफरेंस कर्व बता रहा है कि जैसे जैसे अपन एक्स यूनिट और वाई यूनिट है, इसको एप्पल या ऑरेंजेस मान लीजिए, जैसे अपन ने एक एप्पल और 30 ऑरेंजेस कंज्यूम करे, जो अपन को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वही सेटिस्फेक्शन दो एप्पल और 25 ऑरेंजेस को कंज्यूम करने पर मिल रहा है। एक और चीज इसमें क्या देखेंगे आप कि जैसे जैसे आप एप्पल का कंजप्शन बढ़ा रहे हो या एक्स कमोडिटीज का कंजप्शन बढ़ा रहे हो, वाई कमोडिटीज को सेक्रीफाइस या कम होना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एमआरएस। एमआरएस यही होता है ना बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि आपको एक कमोडिटी को कंजप्शन बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी का कंजप्शन आपको कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल अजम्पशन क्या है कि रिसोर्सेज अपने पास लिमिटेड है, दोनों इक्वल प्रपोर्शन में अपन कंज्यूम नहीं कर सकते। पूरा क्लियर? तो ये बढ़ाने के लिए ये कमोडिटी को अपन को डिक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एमआरएस। ये बढ़ रही है और ये घट रही है और सेटिस्फेक्शन लेवल सब में इक्वल है। इसको सिंपल वे में मैं ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू कह सकता हूं, क्योंकि सारा सेटिस्फेक्शन क्या है, इक्वल प्रोवाइड करा रहा है इंडिफरेंस कर्व। तो ये हो गया बेटा इंडिफरेंस कर्व का स्केड्यूल। हो रहा है क्लियर? अब देख लेते हैं इसके बेसिस पे अपना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनता है, वो देख लेते हैं। सिंपल सा मैंने स्केल लेके नहीं बनाया, स्केल लेके मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ऐसे नहीं बनाया, दोनों ऑप्शन है आपके पास, स्केल लेके भी बना सकते हैं या फ्री हैंड से भी बना सकते हैं। जो ये मैंने फ्री हैंड से डायग्राम बनाया, इक्वल मार्क्स मिलते हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर स्केल लेके बनाएंगे तो ज्यादा मिलेंगे, फ्री हैंड बनाएंगे तो आपको नहीं मार्क्स मिलेंगे, दोनों में इक्वल मार्क्स मिलेंगे आपको। जब भी फ्री हैंड बनाए तो ये एक्सेस में जो भी आपकी कमोडिटी आप रख रहे हैं वो मेंशन करना जरूरी है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और डायग्राम प्रॉपर वे में होना चाहिए। ये अपना इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम, अगर स्केल से भी बनाते बेटा अपन पॉइंट लगा के भी, तो ये ऐसे ही इसका स्लोप बनता है। दिस स्लोप इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, बिल्कुल ठीक, इसको बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजन बोलते हैं, ओरिजन मतलब ये लाइन होती है और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजन, आईसी शॉर्ट फॉर्म है इंडिफरेंस कर्व की। तो अपने शेड्यूल के बेसिस पे, स्केड्यूल के बेसिस पे जब अपन ये डायग्राम बनाते हैं तो इसका
कॉन्वेक्स टू द ओरिजन बनता है इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम। अब डिस्कस कर लेते हैं, एक और चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, स्लोप ऑफ आईसी बहुत बार पूछी जाती है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में भी कि स्लोप ऑफ आईसी क्या होता है। एक सिंपल से ट्रिक है, जब भी डायग्राम अपना ऐसा बनता है, हाइपरबोला बोलते हैं वैसे इसको, जब भी कॉन्वेक्स टू द ओरिजन बनता है तो हमेशा जो अपना फॉर्मूला बनता है या इक्वेशन बनती है वो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स बनती है। तो पूरा ये डायग्राम या स्लोप ऑफ आईसी का जो फॉर्मूला है वो बनता है एमआरएस, क्योंकि एमआरएस एप्लीकेबल है। वही बात हो गई, इसको बढ़ाने के लिए ये कमोडिटी को रिड्यूस करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एमआरएस। इसलिए एमआरएस के थ्रू ये फॉर्मूला बनता है इक्वल्स टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, सीएस का फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद करना बहुत जरूरी है। हो रहा है क्लियर बेटा? आप देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जिसको अपन प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी या प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। चलिए पहला देखते हैं, पहला है अपना एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसी को नेगेटिवली स्लोप बोलते हैं। नेगेटिवली स्लोप मैंने बताया था आपको, जब भी एक कम्युनिटी बढ़े और दूसरी घटे तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिवली स्लोप। हमेशा जो डायग्राम है वो नीचे की तरफ ही बनेगा। इंडिफरेंस कर्व का सिंपल सा डायग्राम है आईसी का, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होना। तो पहला अपनी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है कि इंडिफरेंस कर्व अपना लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता है और ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। पूरा क्लियर? सेकेंड देखते हैं, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजन, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होता है हमेशा, ऐसा डायग्राम जब भी बनता है इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। ओरिजन ये होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजन, मतलब ओरिजन पे आते आते ये कॉन्वेक्स हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजन। हो रहा है दोनों प्रॉपर्टी क्लियर? तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर एक ही डायग्राम में दो इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे अपन तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा डायग्राम बनता है तो वो डायग्राम रॉन्ग है। पूरा क्लियर? कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। और ये थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर? फोर्थ में देखते हैं, हायर इंडिफरेंस रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, दैट सिंपली मींस अगर एक ही डायग्राम में, एक ही ग्राफ में जब एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व आप बनाएं या प्लॉट करें तो क्या होगा, जो सबसे ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज़्यादा होगा। इसी कॉन्सेप्ट को इंडिफरेंस मैप भी कहते हैं, इसको इंडिफरेंस मैप भी इसी को कहते हैं। जब एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व, देखिए ये चार इंडिफरेंस कर्व बने हुए हैं, एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व एक ही डायग्राम में बनेंगे तो उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो इंडिफरेंस कर्व सबसे ऊपर बना हुआ होगा वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा किसी भी कंज्यूमर को। इसलिए अपन कह सकते हैं IC4 इज ग्रेटर देन IC3, IC3 इज ग्रेटर देन IC2, IC2 इज ग्रेटर देन IC1। हो रहा है क्लियर? तो ये है अपना चौथी प्रॉपर्टी, हायर इंडिफरेंस रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हो रहा है क्लियर बेटा? तो ये अपनी हो गई प्रॉपर्टीज। तो अपन ने आज चार चीजें डिस्कस करी। क्या डिस्कस करा? मीनिंग डिस्कस कर ली, अपन ने स्केड्यूल डिस्कस कर लिया, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डिस्कस कर लिया, और लास्ट में अपन ने प्रॉपर्टीज जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इकोनॉमिक्स का ही, मैनेजमेंट का भी या कैरियर काउंसलिंग के बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ। गुड बाय।